कुछ डम शिराज खेलते हैं। ये डम शिराज क्या होता है? इसके दो ग्रुप होते हैं। एक आदमी इशारे से कोई चीज या फिल्म का नाम अपने ग्रुप को समझाता है और उनको बताना होता है कि वो क्या बताना चाहता है। मुझे डम शिराज बहुत अच्छा गेम लगता है, बहुत मजा आता है। चोर, चोर, पकड़ो, अरे कोई पकड़ो। दी, वो देखो, चोर मम्मी का पर्स लेकर भाग रहा है। ए, रुक जाओ। ए, चोर अंकल वो पर्स वापस कर दो। चोर अंकल अभी भी रुक जाओ। मैं सपना देख रहा हूँ। ये बच्चा इतनी तेजी से साइकिल कैसे चला सकता है? हे बच्चे, मुझे छोड़ना मत, प्लीज बचा लो, बचा लो। ठीक है, जाओ, आज के बाद फिर चोरी मत करना वरना पुलिस को दे दूंगा। ये तो बता दो तुम हो कौन? अच्छाई का दोस्त, बुराई का दुश्मन। नाम है वीर, वीर द रबर बॉय। थैंक यू वीर, तुमने पर्स कैसे छीन लिया उससे? छीना नहीं आंटी, उसके हाथ से गिर गया और मैं लेकर आ गया। गुड बॉय वीर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बाय बच्चों। बाय। चिंटू कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, लेकिन अभी बुलाता हूँ। तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। अपने नाना से मिले हुए सोचो हो गए कितने दिन। नाना जी आप कब आए? चिंटू जिन, जेल से लेडी जिन भाग गई है। तुम्हें याद होगा जब वो जिन पुलिस से छुप के भाग रही थी तो तुमने ही उसे देख के पुलिस को खबर की थी और उसे जेल हो गई थी। हाँ नाना जी, मुझे याद है। जिन पुलिस उसे ढूंढ रही थी और वो भागती हुई आई और एक कुएं में छुप गई थी। मैं वहाँ खेल रहा था, मैंने उसे छुपती देख के जिन पुलिस को बुला लिया था। जब पुलिस उसे पकड़ के ले जा रही थी तब वो चीख चीख के कह रही थी, जिंटू मैं वापस आऊंगी और तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लूंगी, मैं बदला लूंगी जिंटू, मैं बदला लूंगी। लेकिन जिंटू वो जेल से भाग चुकी है और तुम्हें ढूंढ रही है। शायद उसे अभी पता नहीं है कि तुम धरती पर हो, इसलिए कोई खतरे की बात नहीं है। नाना जी, आप जिंटू को अपने साथ ले जाओ। जिंटू को वहाँ ज्यादा खतरा है क्योंकि वो जिंटू को जिन वर्ल्ड में ढूंढ रही है। जिंटू ये लो जिन कैचर, अगर वो दिखे तो उसे इसमें कैद कर लेना। ओके नाना जी। जिंटू, तुम इतना डर क्यों रहे हो? वो बहुत खतरनाक जिन है, वो मुझसे बदला लेने आएगी। लेडी जिन को नहीं पता है कि तुम यहाँ हो। अरे भागो, वो देखो भूत जिन। भागो, जल्दी जाओ। जिंटू, मेरे प्यारे जिंटू, कैसे हो? तुम्हारी वजह से कई दिनों तक मैं जेल में रही, अब मैं तुम्हारी शक्ति छीन के अपनी शक्ति बढ़ाऊंगी। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। ये गधा जिंटू का दोस्त लगता है। नहीं नहीं, वो तो मेरे दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, आज से तुम मेरे दोस्त हो। बताओ चिंटू कहाँ है, वरना मुझे बहुत सारी डोंकी डिशेस पकानी आती हैं,
डोंकी दो प्याजा, डोंकी मुगलाई, डोंकी तंदूरी, डोंकी टिक्का मसाला। बचाओ! याद रखना, एक बार जिंटू को पकड़ लूं, मैं तुम्हें अपनी तरह सुंदर और परफेक्ट लेडी जिन बनाऊंगी। बाय बाय। तुम इतना डरे हुए क्यों हो जिंटू? जादू करके वहाँ से गायब क्यों नहीं हो गए? उसके सामने मैं डर के मारे सब कुछ भूल जाता हूँ, अगड़म बगड़म भी याद नहीं रहता। उसे पकड़ने के लिए तुम्हारे पास ये जिन काचर तो है ना, इससे पकड़ो ना उसे। डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही है, उसे कैसे पकड़ो? वो कभी भी कहीं भी जा सकती है। उससे जिन को डरा डरा के उसकी पावर सक करने में मजा आता है। जितना ज्यादा जिन डरा होगा उतनी आसानी से वो पावर सक कर लेगी। मैं तो चुप जाता हूँ। वीर, जिंटू कहाँ है? उसके लिए मैंने चाट बनाई है। पता नहीं वो कहाँ है दादाजी। तुम्हारा दोस्त है और तुम कहते हो पता नहीं, जल्दी बुलाओ उसे। जिंटू को इतने प्यार से क्यों बुला रहे हैं? अक्सर तो दादाजी हम सबको एक साथ ही बुलाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, अभी पता करता हूँ। दादाजी आप सारा खाना टेबल पे लगा दीजिए, मैं अभी जिंटू को बुलाता हूँ। हेलो दादाजी, कहाँ हो आप? मैं बाजार में सब्जी ले रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं दादाजी, ऐसे ही पूछ रहा था। इमली, अंदर जो है वो दादाजी नहीं लेडी जिन है। क्या? जिंटू जल्दी चलो, लेडी जिन दादाजी के रूप में आई है। नहीं नहीं, मैं पलंग के नीचे से नहीं निकलूंगा। जिंटू चलो। जिंटू हम इस तरह कब तक भागते रहेंगे? तुम अपने जादू का इस्तेमाल करके लड़ो। थिंक पॉजिटिव, ये सोचते रहो तुम बहादुर हो और फिर देखो उसका असर। मैं बहादुर हूँ, मैं बहादुर। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है वो लेडी जिन है जो मिस्टर चड्ढा के रूप में आई है। अरे जिंटू जादू करो जल्दी, लेडी जिन नजदीक आ रही है। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। मुझे क्या हो गया? मेरे गांव में ऐसा नहीं होता। पंडित जी मम्मी, वो असली चड्ढा अंकल है, उन्हें ठीक करो। ओ, मेरी बिरादरी वाला आया है। हे दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? नाम में क्या रखा है, काम पूछो। वैसे तुम्हारा काम क्या है? मैं शेफ हूँ, मैं बनाता हूँ डोंकी दो प्याजा, डोंकी मुगलाई, डोंकी तंदूरी, डोंकी हंडी, डोंकी स्टफ, डोंकी मसाला की ग्रेवी। ये तो लेडी जिन है, भागो। जिंटू, प्यारे जिंटू, तुम्हारी सारी पावर्स अब मेरी है। तुम जैसे तमाम जिन से पावर तक करके मैं इतनी शक्तिशाली बन जाऊंगी कि फिर मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। जिंटू जादू करो, जादू करो, लड़ो जिंटू लड़ो, खुद पे भरोसा रखो जिंटू, तुम ऐसे हार मत मानो। जिंटू फाइट, फाइट जिंटू। जिंटू तुम्हारी सारी पावर्स जा रही है, कुछ करो। जिंटू रुको, अपनी पावर्स को। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं, नहीं, वो पावर्स मेरी।
मेरी है, मुझे वापस करो। मैं जिंटू नहीं जो डर के हार मान लूंगा। तुमने हॉर्स पावर के बारे में बहुत सुना होगा, आज देखो डोंकी पावर। डोंकी पावर में कितना असर है। वाह चुलबुल वाह, देखा जिंटू ऐसे लड़ते हैं, डरने से कोई काम नहीं बनता। अगर चुलबुल लड़ सकता है तो तुम तो जिन हो। चुलबुल तुम बहुत बहादुर हो, अब मैं लड़ूंगा। तुम अगड़म बगड़म इकड़म तिकड़म आलम फालम धम धमादम बोल के अपने बदन के सामने हाथ से पावर खींचने की कोशिश करो। मेरी पावर्स का मैजिकल बॉल निकल के तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, फिर मैं उसे ले लूंगा। पहले यहाँ से घर चलते हैं, फिर ये सब करेंगे। वीर तुम लोग कहाँ थे? दादाजी वो लेडी जिन आ गई है और जिंटू के पीछे पड़ी है, उसे जिंटू की पावर्स चाहिए। वाह ये है जिंदगी, जब चाहो गाजर खाओ, जैसे चाहो गाजर खाओ, लाल हरी नीली पीली मल्टी कलर गाजर खाओ। चुलबुल बस करो ये शो ऑफ। और हाँ एक बात सुनो, वो फिर से भेस बदल के आ सकती है। अगर किसी को किसी पे शक हो तो उसके सामने मत बोलना, हम लोग डम शियाज में बात करेंगे ताकि उसे पता नहीं चले कि हमें उस पे शक हो गया है। मुझे डमशिराज खेलना नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ये सब चुलबुल कैसे कर रहा है? तुम दादाजी को सब बताओ, मैं बाहर देख के आता हूँ, वो फिर से तो नहीं आ गई। रास्ते में मत आओ, चलो हटो। तुम्हें भारी पड़ेगा दोस्त। अरे हेल्प, बचाओ, कोई बचाओ। अरे ये कहाँ से आ गया? चुलबुल ये सब ठीक करो, तुम भी जिंटू की तरह बिहेव कर रहे हो, जल्दी सब ठीक करो और अपनी पावर्स जिंटू को वापस करो। तुम मेरे अंदर से पावर्स निकाल के वापस जिंटू को दिलवाना चाह रहे हो ताकि तुम उसे वापस ले सको, लेकिन मैं उल्लू बनने वाला नहीं। लेडी जिन बाय बाय। कहाँ भाग रही हो लेडी जिन? चूहे से मुझे डर लगता है। चिंता मत करो, अभी पकड़ लूंगा। चुलबुल मैं वीर हूँ। चुलबुल हेलो, सुनो मेरी बात। अच्छा हुआ तुमने उसे पकड़ लिया, वो लेडी जिन है, मैंने उसे चूहे में बदल दिया है। ये लो उसे पिंजरे में बंद कर दो। अकड़ बकड़ बम्बे बो, वीर की आवाज गुम कर दो। मैं वीर हूँ, वो लेडी जिन है, सुनो मेरी बात। शाबाश चुलबुल, तुमने कमाल कर दिया, अब अपनी शक्तियाँ जिंटू को वापस कर दो। जिंटू इस चूहे को लेकर अपने जिन वर्ल्ड में ले जाएगा और जेल में बंद कर देगा। जल्दी क्या है वीर, वी आर फैमिली, तुम ही तो कहते हो जादू की शक्ति मेरे पास हो या इसके पास क्या फर्क पड़ता है, जादू तो घर में ही है ना। नहीं चुलबुल ये गलत है, जो चीज जिसकी है उसे ही मिलनी चाहिए। चलो जल्दी से जादू वापस करो। तुम लोगों से मेरी खुशी देखी नहीं जाती। अच्छा कुछ समय के लिए तो जादू मेरे पास रखने दो ना प्लीज। कितने समय के लिए?
यही कुछ 20-25 साल के लिए। चुलबुल ऐसे लालची मत बनो, तुम तो बहुत अच्छे हो, हमेशा सबकी मदद करते हो, किसी का दिल नहीं दुखाते। चलो उसकी पावर्स वापस करो। तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। ठीक है मैं वापस कर देता हूँ। वो देखो लेडी जिन कैसे फड़फड़ा रही है। मुझे परफेक्ट लेडी जिन बनाने चली थी, अब परफेक्ट जेल में हो। ये चूहा मुझसे डमशिराज खेल रहा है, इशारे से बता रहा है कि वो वीर नहीं, उसके लंबे बाल हैं, लंबी नाक है और वो झाड़ू में उड़ती है। कहीं ये चूहा वीर तो नहीं और ये सब लेडी जिन की चाल तो नहीं। चलो चुलबुल बहुत हो गया, जिंटू को उसकी पावर्स वापस करो। ठीक है काश कुछ दिन और जिन बन के रह लेता। अगड़म पगड़म, तुम वीर हो ना। भागो। ये तुम हो? सॉरी वीर, मैं धोखा खा गया। लेडी जिन, अब मुकाबला मेरे और तुम्हारे बीच में है, जिंटू की शक्तियाँ चाहिए तो आ जाओ। वीर, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगी, फिर जिंटू की बारी। अब तुम जेल में ही आराम करना।
पावर्स लो और इसे जिन वर्ल्ड में ले जाओ। थैंक यू वीर। चलो जिन मौसी, अब जेल में ही आराम करना। हाँ। अरे ये चुलबुल कहाँ गया? क्या हुआ चुलबुल? कुछ दिन मुझे और जिन बने रहने देते तो कितना अच्छा था।